नमस्कार, मैं एमएसएल की पाठशाला में हजारों बाबों के नबी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बच चुकी रन भेरिया, मैदान वही मार के जाएगा या युद्ध में वही जीतेगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना। तो चलिए माथे से टपकाते हैं पसीना और इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्लास एट प्रश्नावली 9.3 प्रश्न डाउन। अधि 1000 का मिश्रण दो वर्ष है। 1000 का मिश्रण मतलब 1000 मूलधन हो गया, उसका मिश्रण दिया हुआ दो वर्ष में 1102.50 हो जाता है। दो वर्ष में मिश्रण धन कितना हो जाता है? 1102.50। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, मतलब आर कितना है शुल्क। तो चलिए यहाँ जो जो जानकारी दिया हो पहले उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है हमारा, लिख सकते हैं कि मूलधन जिसको हम लोग बोलते हैं पी बराबर कितना है? ₹1000। और मिश्रधन जिसको लोग अमाउंट बोलते हैं, ए बराबर क्या होगा? ₹1102.50। और क्या दिया हुआ? समय दिया हुआ है जिसको लोग टी या एन बोलते हैं। टी बराबर एन बराबर क्या होगा? दो वर्ष। और दर जिसको आर बोलते हैं, ये हमारा निकालना है। ब्याज वार्षिक संयोजित है, ज्यादा टेंशन नहीं है। तो शुरू रहिए, चूंकि मिश्रधन बराबर दिया हुआ है 1102.50, इसलिए मिश्रधन की जगह पे फार्मूला क्या बताएंगे? जो होता है वो क्या है? पी ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर होगा एन बराबर 1102.50। अब पी के जगह पे तो पी रहेगा क्योंकि पी दिया हुआ, हाँ दिया हुआ तो लिख देते 1000। जब दिया हुआ तो बॉयल फुट कर दिया 1000। यहाँ पे 1 + R की जगह पे आर होगा, आर की वैल्यू निकालना है, एन के जगह पे 2 होगा बराबर 1102.50। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, हाँ यहाँ ये हो रहा है कि एक गुना है, उधर जाके भागा हो जाएगा। तो चलिए भागा करते हैं, तो क्या आएगा? 1 + R/100 का स्क्वायर बराबर ये वाले लिखेंगे 1102.50, मतलब 1102.50। इसको किससे भागा देंगे? 1000 से। जब भागा देते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे थोड़ी सी परिवर्तन करना पड़ता है लोगों को, वो ये है कि पॉइंट खिसक जाएगा दाहिनी ओर, तो आएगा कितना? 1.1025 ये आएगा। अब इसका जब आप वर्गमूल निकालेगा, वर्गमूल क्यों निकालेंगे ये भी देख लीजिए, 1 + R/100 ये स्क्वायर उधर चल जाएगा तो हो जाता है अंडर रूट में, तो हम अंडर रूट में ला करके इसको स्क्वायर रखें और ये किसका स्क्वायर है? 1.05 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बचा? 1 + R/100 बराबर 1.05। ये 1 जाके उधर घट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 1/100 तो आएगा 1.05 - 1 और R = 100 होगा और यह सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.05, एक में 1.05 में एक को घटा देंगे तो आएगा 0.05। इसलिए R बराबर क्या होगा? R के बट्टा यहाँ है, क्या है? R जो है वह 100 से विभाजित है, मतलब भागा में है, इधर आके 100 हो जाएगा गुना में 0.05 × 100। जब गुना करेंगे 0.05 को तो आपके पास आएगा 5%। ये रहा आपका आंसर। वही पूछा था कि कितने दर से ये 1102.50 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो तुरंत लाइक करेंगे, सब और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कोई समस्या होगा। और पहली बार अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। धन्यवाद।